Hello everyone, good morning. Today discussing about remaining part of history and technology in India. जो अपना remaining part रह गया था history का, वैसे history की दो क्लास ही हो चुकी है और ये तीसरी क्लास है जिसमें कुछ portion रह गया था history का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री का। कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री का, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ एंड्रोलॉजी इन इंडिया, यानी कि सम पार्ट जो पोर्शन रह गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री का, हिस्ट्री के पार्ट को देखते हैं अपन। 1905 यानी 1905 लास्ट क्लास में बात की थी अपन IRA के, IARI की, है ना। अब ये IARI का पहले क्या नाम था, उसका फर्स्ट इम्पीरियल इंटरमीडिएट कौन था, और उसमें IARI पूसा जो बिहार के अंदर 1915 को पाँच मीटिंगें हुई, पाँच मीटिंगों में एक मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग थी वो पब्लिश नहीं हुई, और चार मीटिंग है वो पब्लिश हुई, ठीक है ना। और वो उन मीटिंग को क्यों पब्लिश करवाया गया भाई, कोई भी साइंटिस्ट या स्टूडेंट पढ़े, उनको स्टडी करे तो ओवरलैप नहीं हो, लेकिन ओवरलैप से बचने के लिए उन्होंने इसको पब्लिश करवाया। किस में कराया था? ट्रेजर ऑफ एंटोलॉजी नॉलेज के नाम से। किस नाम से करवाया था इसको? ट्रेजर ऑफ एंटोलॉजी नॉलेज नाम से पब्लिश करवाया था। और देन जो पूसा बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था उसका नाम है, अभी नाउ एट प्रेजेंट वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, उसका नाम क्या कर दिया गया भाई? इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो भी न्यू दिल्ली के अंदर है। अब आज अपन बात करते हैं, चर्चा करेंगे नेक्स्ट इंडियन इंसेक्ट पेस्ट। इंडियन इंसेक्ट पेस्ट ये क्या है? बुक है। इंडियन इंसेक्ट पेस्ट क्या है? ये बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रो के द्वारा। एक बुक है इंडियन पेस्ट इंसेक्ट, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, ये क्या है? बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रो के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1906 यानी 1906 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है ना। देन ये हेड थे डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी IRI, और ये IRI की जो प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रो थे वो हेड थे विभाग, जिसको क्या बोलते हैं हेड, वो विभाग अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। डिवीजन यानी विभाग, कीट विज्ञान यानी जो IRI में कीट विज्ञान विभाग था उसका विभाग अध्यक्ष थे, हेड थे उसके, ठीक है ना, न्यू दिल्ली। सब्सिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट आल्सो टुक अप एंटोमोलॉजिकल वर्क, यानी कि आगे फिर एंटोमोलॉजी के ऊपर वर्क हुआ। वो कौन कौन से स्टेट थे? उन स्टेट्स में पहला था मद्रास, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, है ना। उन पे वर्क हुआ और उनमें क्या किया, एंटोमोलॉजिस्ट को भी क्या किया, अपॉइंटमेंट किया। कब कब किया एंटोमोलॉजिस्ट को अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट देयर द फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट 1919 एंड 1922, यानी कि मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए। कब किए गए? मद्रास में कब किया गया? मद्रास के अंदर 1912 के अंदर, पंजाब के अंदर 1919 के अंदर, और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर 1922 के अंदर फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट किए गए, है ना। वैसे ही अपन बात करते हैं तो भाई फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था? तो लियोन डी नाइसविली था, और कब अपॉइंटमेंट किया गया था? 1901 में, यानी कि 1901 के अंदर वो अपॉइंटमेंट किए गए थे। बट देन सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट कौन था? वो था प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रो, किसके बाद में? लियोन डी नाइसविली के बाद में। कब अपॉइंटमेंट किया गया था? 1903 यानी 1903 में अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है ना। तो ये बात हो गई मैक्सवेल लेफ्रो की, जिन्होंने इंडियन इंसेक्ट पेस्ट से बुक लिखी वो 1906 में, और वो हेड थे IRI के डिवीजन के, ठीक है ना। और फिर देन बाद देन आफ्टर
1922 को ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट एंट्रेंस अपॉइंटमेंट की गई मद्रास पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। देर हम नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं इंडियन इंसेक्ट लाइफ, ये भी क्या है, एक बुक का नाम है इंडियन इंसेक्ट लाइफ। ये बुक भी प्रोफेसर मैक्सवेल के द्वारा ही लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी ये बुक? प्रोफेसर मैक्सवेल के द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है ना। इन दोनों बुकों को इजी तरीके से इजी वे में याद रखने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। दोनों बुक्स को इजी तरीके से याद रखने के लिए एक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक का क्या नाम है? IPL। IPL क्या नाम है उसका नाम? शॉर्ट ट्रिक का नाम IPL है, यानी कि इंडियन दोनों क्या है, कॉमन है। दोनों वर्ड दोनों बुक्स के अंदर क्या है, कॉमन है। देन इंसेक्ट और इंसेक्ट, ये दोनों चीज भी क्या है, दोनों बुक्स के अंदर कॉमन है। डिफरेंस डिफर क्या है, पेट्स और लाइफ। तो यहां आई का मतलब हो गया इंडियन, पी का मतलब हो गया पेट्स और एल का मतलब हो गया लाइफ। तो आई सब में कॉमन है, इंडियन हो गया, पेस्ट इंसेक्ट दोनों में कॉमन है, तो इंडियन इंसेक्ट पहले क्या होगी, पेस्ट होगी, और दूसरी क्या होगी, पेट्स। पहले क्या होगी, पेट्स, और दूसरी क्या होगी, लाइफ। तो इसको याद रखने का इजी तरीका ये है, ठीक है ना। IPL से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। देन आगे अपन चर्चा करते हैं प्लांट क्वार्टन एक्ट एंड पोस्ट, यानी कि जो प्लांट क्वार्टन एक्ट था, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PQA, वो कब लागू हुआ था, या सॉरी कब पारित हुआ था, ये 1912 के अंदर, 1912 के अंदर PQA जो प्लांट क्वार्टन ऑर्डर था वो पारित हुआ था, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपा। क्या बोलते हैं उसे? शॉर्ट में बोलते हैं डीपा। और इसकी ये जो एक्ट था वो कब पारित हुआ था? 1914 को, यानी कि 1914 को ये पारित होता। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं डीपा के बारे में और PQA के बारे में। PQA की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कब एटाबलिस्ट हुआ था या कब पारित हुआ था, डीपा कब पारित हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना। देन अपन आगे बात करते हैं टेबी फ्लेचर द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट। तो टीबी फ्लेचर थे वो क्या थे, फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट के फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या करवाया, पब्लिश करवाया एक बुक। जो टीबी फ्लेचर थे वो कहाँ के थे, मद्रास के फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई, उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स। मैं लिख रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा, तो सम साउथ इंडियन इंसेक्ट, उस बुक का क्या नाम था, सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। ये कब पब्लिश करवाई गई, ये 1914 के अंदर ये बुक पब्लिश करवाई गई टीबी फ्लेचर के द्वारा, ठीक है ना। देन अपन आगे बात करते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्या है, इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कोलियोप्टेरा वाज पब्लिश्ड बाई द फर्स्ट इंपेरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट। यानी कि जो ये आपका इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी था, उसके बारे में जो कोलियोप्टेरा, किसके बारे में था वो, ओनली फॉर कोलियोप्टेरा वाज पब्लिश्ड है। वो किसके द्वारा पब्लिश करवाई गई थी, किसके द्वारा पब्लिश करवाई गई थी, वो फर्स्ट इंपेरियल फॉरेस्ट, जो फर्स्ट इंपेरियल थे फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट, फर्स्ट इंपेरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट, उनके द्वारा ये पब्लिश करवाई गई थी। उनका क्या नाम था, AP स्टेबिंग, AP स्टेबिंग नाम था उनका।
एपी स्टेबिक नाम था, और ये कब पब्लिश करवाई गई, ये आपकी पब्लिश करवाई गई थी 1914 को, यानी कि 1914 को ये पब्लिश करवाई गई थी, ठीक है ना। ये इम्पेरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, ये इम्पेरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे एपी स्टेबिंग, ठीक है ना। देन अपन आगे बात करते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री में के लिए हिस्ट्री बारे में, इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट देहरादून, जो इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट देहरादून, जिसको आज इस नाम से जाना जाता है FRI, इम्पेरियल अब इम्पेरियल नहीं रहा, अब सीधा क्या है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता है। जो कहाँ है ये देहरादून के अंदर है, और एपी स्टेबिंग वाज अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट, और जो एपी स्टेबिंग था वो अपॉइंटमेंट किए गए है ना फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट, ठीक है ना। कब अपॉइंटमेंट किया गया, 1916 को, ठीक है ना। देन अपन आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, देन नेचुरल हिस्ट्री सेंक्शन, देन नेचुरल हिस्ट्री सेंक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम वाज फॉर्मड एज ए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पहले क्या नाम था इसका, पहले क्या नाम था, नेचुरल हिस्ट्री सेंक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम, उसको क्या कर दिया फॉर्मड करके उसका नाम रख दिया गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या रख दिया गया उसका नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कब रखा गया 1916 को, 1916 के अंदर, कब रखा गया 1916 के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं भाई, इसका नाम इसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट रूम में ZSI, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1916 को, ठीक है ना, 1916 में। देन अपन बात करते हैं आगे, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट ऑन पेस्ट ऑफ कॉटन, यानी कि जो कॉटन पर लगने वाले पेस्ट थे उनके लिए कमेटी बनाएगी, है ना, कॉटन में लगने वाले पेस्ट तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कॉटन में जितने भी पेस्ट लगते हैं उन पेस्ट और कॉटन पेस्ट के इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, वो कब बनाई गई थी, केंद्रीय कमेटी थी वो कब बनाई गई थी 1921 को, कब बनाई गई थी वो 1921, यानी कि 1921 वो कमेटी बनाई गई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं भाई, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट ऑन पेस्ट ऑफ कॉटन, कॉटन के लिए लगने वाले पेस्टों के लिए इन्वेस्टिगेट कमेटी कब बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी 1921 के अंदर, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो इंडियन लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी 1925, यानी कि 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये भी आपके नोटाइप्स है, नोटाइप्स में ए पार्ट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड अगेन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नाउ IIRG इसका नाम अभी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेंजिन एंड गम, अभी इसका नाम क्या है IIRG, इसको फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेंजिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेंजिन एंड गम, इसका अभी वर्तमान नाम क्या है, इंडियन लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेंजिन एंड गम, ये इसका नाम है, ठीक है ना। देन अपन आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हेम सिंह प्रोथी,
हेमसिंह पुरोहित एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, हेमसिंह पुरोहित, HS पुरोहित के नाम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, HS पुरोहित, HS पुरोहित, ठीक है ना। तो हेमसिंह पुरोहित वो सक्सीडेड इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, ये क्या थे, इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे, मेड एफर्ट टू बेरिंग ऑल द एंटोमोलॉजिकल वर्क स्टिल क्लोजर विच रिजल्ट इन टू द फाउंडेशन ऑफ एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। यानी कि इनके एफर्ट्स के द्वारा, हेमसिंह जो पुरोहित थे उनके एफर्ट्स के द्वारा जो भी एंटोमोलॉजी का वर्क चल रहा था पहले, और वो बीच में किसी कारणवश क्लोज हो गया, उस क्लोज हो गया, उनको उन्होंने क्या किया, क्लोजर जितने भी क्लोजर थे उनको रिजल्ट के रूप में, उनको रिजल्ट के रूप में उन्होंने लिखा, किसमें लिखा उन्होंने, सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी बनाई, उस रिजल्ट उसको रिजल्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी का नाम क्या था, एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑफ है यहाँ एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसकी उन्होंने आधारशिला रखी हेमसिंह पुरोहित ने। ये ध्यान रखना कि जो एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसकी आधारशिला किसने रखी थी, हेमसिंह पुरोहित ने। क्यों रखी थी, क्योंकि जो भी एंटोमोलॉजी के अंदर वर्क चल रहा था वो वर्क किसी कारणवश बंद हो गया था, तो उसको वापस जो भी वर्क था उसको रिजल्ट के रूप में पब्लिश करने के लिए, रिजल्ट के रूप में पब्लिश करने के लिए उन्होंने एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया को स्थापना की, ठीक है ना, उसकी शुरुआत की सोसाइटी की, कब की, 1938 को, कब की थी, 1938 को। और जो अफजल हुसैन थे, अफजल हुसैन थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफजल हुसैन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, अफजल हुसैन ESI, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ESI, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ESI, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ESI कौन था, अफजल हुसैन थे, ठीक है ना, अफजल हुसैन थे, और वाइस प्रेसिडेंट उसके हेमसिंह पुरोहित थे। प्रेसिडेंट तो थे अफजल हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट वो थे आपके हेमसिंह पुरोहित एंड रामाकृष्ण अय्यर, वाइस प्रेसिडेंट हेमसिंह पुरोहित एंड रामाकृष्ण अय्यर थे, ठीक है ना। द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सोसाइटी इज द, जो ऑफिशियल पब्लिकेशन हुआ इस सोसाइटी के द्वारा, उस जर्नल का नाम था इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। जो भी पब्लिकेशन होता है इस जर्नल के अंदर पब्लिश होते हैं, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क होता है वो इस जर्नल के अंदर पब्लिश होता है, रिलेटेड टू एंटोमोलॉजी वर्क है ना, तो इस जर्नल के अंदर पब्लिश होता है। ये कहाँ से निकलती है, ये न्यू दिल्ली से निकलती है, कहाँ से निकलती है ये जर्नल, न्यू दिल्ली से निकलती है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में हम, तो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी वॉज स्टार्टेड 1937 एट न्यू दिल्ली। यानी कि जो सेपरेट डिपार्टमेंट था एंटोमोलॉजी का, या सेपरेट डिवीजन कब स्टार्ट किया गया, 1937 के अंदर स्टार्ट किया, और कहाँ स्टार्ट किया, IARI में, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछ लेते हैं भाई, सेपरेट डिवीजन इसका, पहले तो क्या था सारे डिपार्टमेंट एक साथ थे, लेकिन इसका अलग से जो डिपार्टमेंट बना वो कब बना, 1937 यानी 1937 में इसका डिपार्टमेंट सेपरेट बना, कहाँ, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। आगे अपन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो एक लेबोरेटरी फॉर स्टोरेज पेस्ट वाज स्टार्टेड एट हापुर UP। यानी कि जो लेबोरेटरी स्टार्ट की गई किसके लिए, स्टोरेज पेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी स्टार्ट की गई
स्टोरेज फेस्ट के लिए कहाँ पे, हापुर यूपी के अंदर। वो कब स्टार्ट की गई, वो भी आपकी 1937 यानी 1937 के अंदर ये स्टार्ट की गई। तो ए लेबोरेटरी और स्टोरेज फेस्ट वाज स्टार्टेड एट हापुर यूपी इन द ईयर 1937। डेट इज क्लियर। अपन आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट APC, इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं APC। जो APC एक्ट था वो कब आया, इसको अपन कहते हैं मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग। किसके लिए आया, मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। ये भी आपका 1937 के अंदर ही आया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये कब आया, ये 1939 को आया, 1939 यानी कि 1939 में आया। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर जोधपुर में है। कहाँ पे इसका, LWO, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LWO, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको LWO। ये कब एस्टैब्लिशमेंट में हुआ, 1939 के अंदर। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर है। आगे अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। डॉक्टर टीवी रामकृष्ण अय्यर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करवाई। डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई, उस बुक का नाम था हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंडोलॉजी। हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंडोलॉजी, उस बुक का नाम क्या था, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंडोलॉजी विच मेट द लॉन्ग हार्ड नीड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एज वेल। एंड जो इस बुक से जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे या स्टूडेंट थे एंडोलॉजी, उनको काफ़ी सहायता मिली। हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स एंडोलॉजी जो बुक थी, तो टीवी रामकृष्ण अय्यर के द्वारा पब्लिश करवाई गई थी, उससे स्टूडेंट्स और साइंटिस्टों को काफ़ी मदद मिली, ठीक है ना, स्टडी के लिए, स्टडी के माध्यम से। देन अपन आगे बात करते हैं CFC बीसन, एक CFC बीसन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक बुक पब्लिश करवाई, उस बुक का नाम था द इकोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट इंसेक्ट्स ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज। उस बुक का क्या नाम था, द इकोलॉजी ऑफ कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट इंसेक्ट्स ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज। ये किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया, ये CB बीसन के द्वारा पब्लिश करवाया गया। कब करवाया गया, 1941 में पब्लिश करवाएगी, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं आगे डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डायरेक्टेड प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज। इसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का, ये भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं DPPQS, क्या कहते हैं इसे शॉर्ट में, DPPQS के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1946 यानी कि 1946 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये फरीदाबाद में, कहाँ है ये, फरीदाबाद में है। ये जो DPPQS है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका फरीदाबाद है। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के बारे में, किसके बारे में, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट गिवन बाय RH पेंटर। जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट थी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन क्रॉप प्लांट्स, ये किसके द्वारा दिया गया था,
ये आरएस पेंटर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1951 1951 में दिया गया था। तो इसको फादर ऑफ फादर ऑफ इंसर्ट रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ इंसर्ट रेजिस्टेंस के नाम से किसे जाना जाता है? आर एस पेंटर को जाना जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ इंसर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। देन अपन आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार काफी बार पूछते हैं ये क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आगे अपन बात करते हैं द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया, यानी कि रेगिस्तानी जो टिड्डियाँ हैं भारत के अंदर। द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया एक मोनोग्राफ इशू किया, दो रेगिस्तानी टिड्डियों का भारत के अंदर एक मोनोग्राफ इशू किया। वो किसके द्वारा इशू किया गया? वो वाई आर राव के द्वारा। किसके द्वारा? वाई आर राव के द्वारा मोनोग्राफ इशू किया गया, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं एच एस स्फूर्ति की, जो मैंने वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फाउंडेशन ऑफ एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके फाउंडर भी थे, ठीक है ना, इसके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। उस बुक का नाम क्या था? टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। और ये कब लिखी गई? ये 1963 यानी कि 1963 में एस एस स्फूर्ति के द्वारा ए टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी के नाम से बुक लिखी गई, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं एक डॉक्टर एम एस मानी थे, उन्होंने भी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था जनरल एंटोमोलॉजी। उस बुक का क्या नाम था? डॉक्टर एम एस मानी ने बुक लिखी, उस बुक का नाम था जनरल एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। देन अपन हिस्ट्री की बात करते हैं आगे, डॉक्टर एच एस स्फूर्ति जो पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है ना, उन्होंने टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी जो मैंने ऑलरेडी पहले ये दे दी है, इसको आप हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है ना। डॉक्टर प्रधान इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, और डॉक्टर प्रधान ने क्या किया, एक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप नाम की बुक लिखी, ठीक है ना। और डॉक्टर प्रधान को फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाई एंटोमोलॉजी इन इंडिया, यानी कि जो डॉक्टर प्रधान है उसको फादर भी माना जाता है। किसका फादर माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी इन इंडिया, भारत का, ठीक है ना, डॉक्टर प्रधान को। देन अपन बात करते हैं द मोनोग्राफ ऑन इंडियन थाइसोनोप्टेरा, यानी कि जो थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर है उसका एक मोनोग्राफ दिया गया। वो मोनोग्राफ किसके द्वारा दिया गया था? वो मोनोग्राफ दिया गया था डॉक्टर टी एन अनंत कृष्णन के द्वारा दिया गया था। वो कब दिया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1969 को दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1969 में जो इंडियन थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर था उसके ऊपर मोनोग्राफ दिया गया था, वो डॉक्टर टी एन अनंत कृष्णन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपकी हिस्ट्री का चैप्टर क्या है, जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है ना। और अब आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।